छात्रों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता मेघ आयो। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। ये अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक जो था उसमें तीसरे नंबर के जो सप्तक थे जो 1959 में प्रकाशित हुआ था उसके प्रमुख कवि थे। इसके अलावा ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी यानी ग्रेजुएशन की थी। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा आजीविका यानी रोजगार के लिए। बाद में दिनमान यानी दिनमान पत्रिका है के संपादक उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने और मृत्यु पर्यंत ये पराग के ही संपादक बने रहे यानी मतलब जब तक इनका जीवन रहा तब तक इन्होंने पराग पत्रिका उसका संपादक कार्य संभाला था। और इनका कहना था कि जिस राष्ट्र में बालकों से संबंधित साहित्य नहीं है वो राष्ट्र में जहाँ बालकों से संबंधित साहित्य नहीं लिखा जाता वहां पर साहित्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआन और नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत ज्यादा चर्चित रहे, बहुत प्रसिद्ध रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्य वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है यानी ग्रामीण परिवेश के साथ साथ उन्होंने शहरी परिवेश को भी अपनी काव्य रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया, उनका वर्णन किया है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए यानी साधारण बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपने काव्य रचना लिखी, अपनी रचनाओं को लिखा जिससे जन साधारण को उसको समझने में आसानी हो। आज जो हम कविता पढ़ने वाले बच्चों मेघ आए, इस कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सत संवर आए हुए जवाई जो दूल्हे जो जवाई दादा होते दामाद होते हैं उनसे की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है मेघों के आने पर सजीव वर्णन करते हैं कवि ने उसी उल्लास को दिखलाया। बच्चों आप जो कविता पढ़ेंगे आज हम मेघ आए उस कविता के अंदर जो मेघ है जो बादल है वो पानी से भरे हुए काले काले बादल है और उनके आगमन पर ऐसा लग रहा है मानो गांव में किसी दामाद का आगमन हुआ है और उसका पूरी तरह से नेकचा किया जा रहा है, जुहारी करी जा रही है। आसपास के जो लोग हैं उनको देखने के लिए आ रहे हैं, नवविवाहिता यानी जो बहू है वहाँ की वो भी घूंघट उठा के देख रही है, आंधी है वो भी घाघरा उठाए भागी जा रही है। ये कहने का मतलब यह पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार किया गया है, देखते हैं कैसे। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के यानी बादल आ रहे हैं काले काले बादल आ रहे हैं उनमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे गांव में किसी दामाद के आने पर हर्षोल्लास छा जाता है चारों ओर, उसके स्वागत के लिए बहुत सारी जो युवतियां होती हैं गांव की वो उनके स्वागत के लिए जाती हैं, उनका सत्कार करती हैं, बड़े सारे नेकचार करती हैं। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है कि मेघ आए हैं, मेघ रूपी दामाद आए हैं गांव में और बड़े बन ठन के संवर के पूरी तरह से तैयार होकर के आए हों। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार यानी हवा यानी उनके आने पर आगे आगे कौन चल रही है, हवाएं चल रही है, हवाओं को यहाँ पर युवति का रूप दिया है कि वहां पर जो है हवा रूपी युवति जो है वो नाचती गाती भी आगे आगे उनके चल रही है, उनका स्वागत सत्कार करती हुई चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और जब दामाद आता है किसी का दामाद आता है तो गांव के जो मोहल्ले वाले होते हैं पड़ोसी जो होते हैं वो दरवाजे खिड़कियां खोल खोल के देखते हैं कि कौन आया है, किसका दामाद आया है, कब आया है, कितने दिनों बाद आया है। तो ये सब प्रश्न उनकी आंखों में होता है, अपनी आंखों से उनको देखते हैं कितना सुंदर है, कितना सुशील है, वो सब चीजें वहां देखी रहती है। तो ऐसा ही जब मेघ रूपी दामाद आए हैं गाँव में तो बयार रूपी यानी ठंडी ठंडी हवा रूपी जो युवतियां उनके आगे नाचती गाती भी चल रही हैं, और ऐसा होने पर दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे हैं और गली मोहल्ले के जो लोग हैं वो उनको देखने लगे हैं, पाहुने यानी पाहुने कौन, दामाद को देखने लगे हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, कोई शहर में रहने वाला कोई दामाद है जो गांव में
आया है और गांव में वो जब आया है तो उसका स्वागत सत्कार कौन कर रही है, ठंडी ठंडी हवा कर रही है, उनके आगे आगे नाचती गाती भी चल रही है। और ऐसा होने पर जो गांव के जो लोग हैं वो दरवाजे खिड़कियां खोल खोल कर देख रहे हैं कि कौन सा दामाद आया है, किसका दामाद आया है। तो गाँव में इस तरह का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है कि भाई हमारे मेघ रूपी दामाद आए तो उनका स्वागत सत्कार करने के लिए सब लोग लालायित हो रहे, सब लोग तत्पर हो रहे उनको देखने के लिए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, और वहां जो बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं किसके समान है, वहां पर बैठे हुए वृद्ध लोगों के लिए है, या ऐसे कहो उन लोगों के लिए है जो दामाद के दामाद को देखना चाहते हैं। तो वो कभी ऊंचे होते हैं कभी नीचे होते हैं, तो ऐसा ऊंचा नीचा होने पर जो पेड़ है, पेड़ की डालियां हैं, वो हवा चलने पर कभी ऊंचे होते हैं, जब वो ऊंचे होते हैं तो ऐसा लगता है वो गर्दन उचका के देख रहे हैं, और जब वो नीचे होते हैं तो ऐसा लगता है वो नीचे झुक के देख रहे हैं। तो कहने का मतलब पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, उनको दामाद को मेघ रूपी दामाद को देखने के लिए वो बार बार अपनी गर्दन ऊंची नीची करते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, जैसे ही आंधी चली, आंधी के चलने पर जो धूल थी वो अपना घाघरा उठा करके भागी। अर्थात जैसे यहाँ पर एक जो आंधी और धूल है उनको युक्ति बताया है, जब आंधी तूफान आता है तो हम लोग भी अपने कपड़ों को संभालते हुए चलते हैं ताकि वो गंदे ना हो जाए। और दूसरी बात ये, जब हम अगर हम कपड़ों को नहीं संभालेंगे तो भागते हुए या चलते हुए तेज चलते हैं आंधी तूफान में तो उनसे हम गिर भी सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जो धूल रूपी जो युक्ति है वो भागते समय अपना घाघरा समेट करके, घाघरा बहुत हैवी होता है बच्चों, बहुत ढेर वाला होता है, तो इसलिए उसको संभाल कर चलने के लिए यहाँ पर तात्पर्य है कि धूल जो है वो भी अपना घाघरा संभाल कर भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सरके, अब नदी को यहाँ पर गांव की बहू बताया है कि गांव की नदी रूपी जो बहू है वो भी दामाद को देखना चाहती है। दामाद को देखते समय आपने देखा होगा गांव में जो युवतियां होती हैं, गांव की जो बहुएं होती हैं वो घूंघट में रहती हैं, और घूंघट में से वो या तो पूरा घूंघट करेंगी, अगर उनको घूंघट में से नहीं दिख रहा होगा तो वो आधा घूंघट ऐसे करती है यहाँ से पल्ला लेकर के, केवल उनकी आंखें आंखें दिखती है, तो उन आंखों से वहां दर्शन करती है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है कि बाकी चितवन उठा यानी टेढ़ी नजरों से, बाकी नजरों से उन्होंने नदी खिड़की घूंघट सके, उन्होंने घूंघट को थोड़ा सा ऊपर किया और दामाद मेघ रूपी दामाद के दर्शन करे, उनको देखा, उनको देखना चाह रही है वो, तो उनके मन में भी इच्छा है कि हम भी हमारे गांव के दामाद को देखें। तो वो कैसे देखती है, घूंघट उठा के जो आंखें उनको तिरछा करके उनको देख रही है। मेघ आए बड़े बंधन के सवर के, जो मेघ आ रहे हैं वो बड़े बन के बड़े संवर करके आए हैं, बड़े पूरी तरह से तैयार होकर के आए सूट बूट पहनकर। नेक्स्ट है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी जैसे गांव के वृद्ध लोग जो होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं वो गांव में कोई दामाद आता है तो उनका स्वागत सत्कार करते आगे होके उनकी जुहारी करते, जुहारी करना यानी कुछ अच्छे में पूछना, उनसे पूछना कि आप कैसे हो, कहाँ इतने दिन रहे थे, और घर पे क्या हाल चाल है, और आप क्या कितने दिनों के लिए आए हैं, आज राजी खुशी तो है आपके घर में कुशल मंगल, तो यानी उनके बारे में मंगल समाचार प्राप्त करते हैं तो वो जुहार कहलाती है। तो गांव के जो बड़े बूढ़े लोग जैसे पूछते हैं ऐसे ही बूढ़े पीपल ने, बूढ़ा पीपल क्योंकि कई सालों तक जीवित रहता है इसलिए यहाँ पर पीपल का प्रतीक लिया है कि बूढ़ा पीपल रूपी जो वृद्ध है उन्होंने आगे होकर जो मेघ है उनकी जुहारी की और उनसे पूछा। बरस बात सुधी लीनी, कि बहुत दिनों बाद सुधी ली, अब ये कौन पूछ रहा है, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, यानी किवार की ओट, यानी जैसे कोई बेल होती है उसको चढ़ने के लिए सहारा चाहिए होता है, ऐसे ही पीपल के वृक्ष के ऊपर बेल लिपटी हुई है और वो बेल ऐसा लगा है मानो पीपल के वृक्ष में आट लेकर के पीपल के वृक्ष में छुप करके पूछ रही है। और यहाँ पर जो बेल है इसको मेघ की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, तो अपने पति से पूछ रही है कि बरस बाद सुधी लीनी, आपने एक वर्ष बाद सुधी ली यानी एक साल बाद आपको याद आई है तब आप लौट करके वापस गांव में आए होंगे, यानी जो वर्षा ऋतु होती है वो साल भर बाद आती है ना बच्चों, तो वही चीज यहाँ पे हुई है, जो लता है जो बेल है जो पीपल पे लिपटी हुई है, तो ऐसा लग रहा है मानो किवाड़ की ओट में से, जैसे घर में दामाद आते हैं तो जो घर की जो जो उसकी पत्नी होती है यानी वो पत्नी किवाड़ की ओट में से, पहले शर्म लज्जा का बहुत वो होता था तो पर्दा प्रथा भी होती थी उस समय, तो लड़कियां अपने घर के अंदर से ही वो बात कर रही है और कह रही है कि आपने एक साल बाद मेरी सुध ली है, आपको एक साल लग गया इस स्मृति में कि यहाँ पर आपकी पत्नी भी रह रही है। तो बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, तो पीपल के पीछे जो लता छिपी हुई है, जो बेल छिपी हुई है वो ऐसी लग रही है मानो दरवाजे की ओर से बोल रही है कि एक
साल बाद मेरी सुधली। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो घर गाँव में दामाद आते हैं, मेहमान आते हैं तो उनके पैर धोए जाते हैं, उनको मतलब पैरों पे जल चढ़ाया जाता है, उनको पैरों को धोया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ताल रूपी जो वहाँ पर लोग हैं, ताल रूपी ताल जो है वो पानी भर के, हर्षाया वाला ताल परात में पानी भर के लाता है और उसके पैरों को धोता है और बहुत खुश होता है, हर्षाता है, बहुत ज्यादा उत्साहित होता है इस चीज को लेकर के। मेघ आए बड़े बंधन के सवर के, और मेघ जो है बड़े बन के बड़े ढन के अभी बहुत ज्यादा सर समर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। तो क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज रूपी अटारी गहरा गई, मतलब काले काले बादल छा गए, और काले काले बादल अटारी जो होती है वो ऊपर का स्थान होता है, जैसे छत होती है हमारी, तो घर के जो ऊपर का ऊपरी जो हिस्सा होता है अटारी कहा जाता है। तो उस अटारी पर कौन, मेघ और वो लता, ऐसा लग रहा है मानो दोनों जने ऊपर गए हैं, गहराई दामिनी दमकी, और ऐसे इस वातावरण में बिजली चमक रही है, और बिजली चमकने पर क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, दोनों के बीच में जो गलत फहमियां थी, जो उन दोनों के बीच में जो भेद मतलब एक तरीके से जो भ्रांति थी वो दूर हो गई है, और वो कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो, अब हमारे बीच में जो दूरी थी, जो विरह रूपी जो गांठ थी वो खुल गई है। कहने का तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो गया है, तो अब पानी बरसेगा और ये जो धरती है वो तृप्त होगी पानी को पी करके, इस बादलों से जो पानी बरसेगा, इस बादलों के पानी को पी करके धरती तृप्त हो जाएगी, उसकी जो दृष्टि है, जो प्यास है वो शांत हो जाएगी। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु भर के, कि जैसे ही ये काम हुआ था, जैसे उनका मिलन हुआ, उन दोनों के मिलन पर दोनों का जो सब्र का बांध था वो टूट गया और उनकी आंखों में से झरझर पानी गिरने लगा, अर्थात बादलों से वर्षा होने लगी, चारों ओर पानी ही पानी छा गया। मेघ आए बड़े बंधन के सवर के, मेघ आए हैं गांव में, मेघ रूपी दामाद गांव में आए हैं और बंधन के सवर के यानी पूरी तरीके से वो तैयार होकर गए हैं। तो इस कविता में आपने देखा क्या था, जो प्रकृति की चीजें हैं उनका मानवीकरण किया गया। बच्चों मानवीकरण अलंकार मैंने आपको बताया ये पाश्चात्य अलंकार है, इसमें प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं को या प्रकृति के तत्वों को सजीव रूप में दर्शाया जाता है, जैसे मेघों को दामाद का रूप दे दिया, अब मेघ दामाद कैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका मानवीकरण कर दिया, तो मेघ जो है किसका प्रतीक है, दामाद का प्रतीक बना दिया उन्हें। फिर नाश्ती गाती बयार यानी हवाएं जो है उनको युवतियों का रूप दे दिया, कि नाश्ती गाती भी चल रही है अपने जमाई के आगे। फिर दरवाजे खिड़कियां खोल करके लोग बाग देखने लगे। पाहुन आपको बता दिया, पाहुन कौन है, यहाँ पर मेघ है। फिर पेड़ जो है पेड़ों को कैसा बता दिया, गांव के पुरुष लोग बता दिया, पुरुष वर्ग बता दिया, जो गांव में आए हैं दामाद को झुक झुक कर कभी ऊंचे होकर कभी नीचे होकर देख रहे हैं। फिर आंधी और फिर धूल को युवती बता दिया, जो कि घाघरा उठा करके भाग रही है अपना। फिर जो नदी है उसको युवती रूप में, उसको बहु गांव की बहू के रूप में दर्शा दिया। बूढ़े पीपलों को वृद्ध लोग बताया, जो गांव में नेचर का कार्य करते हैं, जो मतलब जो भी परंपरा होती है, रीति रिवाज होती है, उनको निभाने का कार्य करते हैं। फिर बेल जो है, जो लताएं हैं, उनको युवती बता दिया, उस मेघ रूपी जो दामाद को उनकी पत्नी बता दिया। फिर ताल को हर्षाया हुआ बताया, वहाँ का जो एक व्यक्ति है जो दामाद के स्वागत के लिए पानी भर के लाया परात के अंदर, उसका भी मानवीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हमने इसमें देखी, पूरा का पूरा मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और कवि जो है सक्सेना जी, इनकी अद्भुत जो सौंदर्य शक्ति है प्रकृति को पहचानने की, उनकी जो एक तरीके से उनका जो सौंदर्य वर्णन है प्रकृति का, बहुत ही सुंदर प्रकृति वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।